जैसे बोलना लगता है आलिया ने गाया है, तेरे बिन फ्रॉम सिम्बा रियली गोज वेल विद सारा अली खान फेस. तो काफी लोगों को लगता है कि शायद ये गाना उन्होंने खुद गाया है, बट इन रियलिटी आई हैव संग द सॉन्ग. Hi, मैं हूँ असीस कौर एंड आई एम अ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर. वेल, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑल्सो. मैंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत एक्चुअली गुरबानी से की है. सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ऐसा आई थिंक हर फैमिली सिख फैमिली में होता है कि उनको बहुत होता है कि बच्चे गुरबानी गाएं या पाठ करें. सो दैट्स हाउ माय मॉम एंड डैड, वो चाहते थे कि हम गुरुद्वारे में शब्द गाएं, मैं और मेरे तीनों भाई बहन साथ में. मैं पानीपत से हूँ और वहाँ से मुझे लगता था कि यार द ओनली वे टू मेक इट टू बॉलीवुड इज रियलिटी शोज. एंड देन आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन इंडियन आइडल इन 2012. आपका नाम बताइए. असीस कौर. और कहाँ से हैं आप? पानीपत से. आँखों से आँखें चार करने और दिल्ली ऑडिशंस क्लियर किए मैंने और मैं बॉम्बे आई. उसके बाद सिर्फ थिएटर राउंड तक पास कर पाई अपने ऑडिशंस और उसके बाद मुझे घर जाना पड़ा. और मुझे आज तक याद है वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, बिकॉज उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाऊँगी, मैं शायद बॉलीवुड में कभी नहीं गा पाऊँगी. मैं वापस आई, मैं बहुत रोई. मुझे याद है दो दिन तक मैं सिर्फ रोती रही. फिर एकदम से मुझे लगा कि यार ऐसे तो कभी भी अगर मैं ही हार मान लूँगी तो मेरे सपनों के लिए और कौन मेहनत करेगा. तो फिर तीसरे दिन से मैंने वापस अपना रियाज शुरू किया एंड देन आई अगेन केम बैक टू मुंबई. आज मैं सोच रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाओ आई हैव अचीव्ड अ लॉट. मैं कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आ गई हूँ. बट सच बताऊँ उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एक्चुअली, बिकॉज एकदम से छोटे शहर से आकर और आप फिर पूरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते और अपना रास्ता खुद बनाना. Amazing. झूठे आना झूठे मुझसे रंग तेरा ढो लेना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई बोलेना, बोलेना माही बोलेना, बोलेना माही बोलेना. एक्चुअली बोलना चेंज्ड माय लाइफ. 2016 में जब मैंने ये गाना गाया एंड आफ्टर दैट एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लग गया लोगों का फॉर दिस सॉन्ग. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये गाना इतनी जल्दी मेरे करियर में मिल गया विद माय फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह. होता ना ऐसा कि सपने पूरे हो गए, ऐसा वाला फील आता है, तो बोलना के साथ मुझे सेम यही फील हुआ. और फिर 2017 में आई गॉट एन अवार्ड ऑल्सो फॉर दिस सॉन्ग विच वॉज रियली रियली सरियल. अगर आप पूछेंगे कि मैंने बचपन में ये सपना देखा था तो येस, डेफिनेटली मैंने अपने आप को यही देखा था, यही मैं चाहती थी होना एक्चुअली. और आई एम रियली हैप्पी दैट इट ऑल हैपेंड. आई एम द वन हु रियली बिलीव्स इन डूइंग रियाज अ लॉट. मेरे दिन की शुरुआत ही मेरे रियाज से होती है और मैं अगर नहीं करती रियाज तो मैं तब तक खाना नहीं खाती. हर सिंगर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी उसकी आवाज़ सही फॉर्म में रहे और पिच परफेक्ट रहे. सो येस, ऑलवेज डू योर रियाज वेरी सिंसियरली. The best part about singing is, for me, it is a very spiritual experience. और I always feel closer to God जब भी मैं गाती हूँ, चाहे वो स्टूडियो में हो, चाहे वो घर पे हो या वो लाइव स्टेज पर हो. So I think it is a very spiritual experience for me and I enjoy it the most. ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो आई थिंक जब हम लाइव शोज करते हैं और जब ऑडियंस का प्यार मिलता है, हमने आधी लाइन गाई बाकी उन्होंने कम्प्लीट किया, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट 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 पार्ट और मोमेंट इन लाइफ ऑफ एनी सिंगर. और जब प्यार मिलता है गानों के लिए, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग.
मैं हूँ असीस कौर और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं, बल्कि बेहतर हैं। हम जो चाहें वो बन सकते हैं, बस हमें चाहिए डेडिकेशन और प्रैक्टिस। सो देयर इज नो नीड टू बी हताश, बल्कि जियो जिंदगी बेहिसाब।